तो आप देख रहे हैं आज तक नॉनस्टॉप कवरेज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली रणभेरी 400 पार के अपने टारगेट में, 370 पार बीजेपी के टारगेट में, 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बड़ी बातें जो आपको समझनी होगी, यहां पर राजधानी दिल्ली में बड़ा फेरबदल, जहां पर 5 सीटों के ऐलान में 4 सिटिंग एमपीज को बेदखल करके वहां पर उम्मीदवार और टिकट बदल दिए गए हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी थी, ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट था। अब आइए उत्तर प्रदेश में, जहां पर सभी सीटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसी के 61 सीटों का ऐलान हुआ है, जिसमें 4 चेहरे बदले गए हैं। और अभी तक ये कहा जा रहा था ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं वो अब कोटा से लड़ रहे हैं, वो कोटा से ही वो हमेशा रहे हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि मनोज तिवारी निरहुआ, और अब पवन सिंह एक तीसरे स्टार की एंट्री हो गई है, भोजपुरी स्टार की एंट्री हो गई है इस पूरे पॉलिटिकल लड़ाई में, जो दिल्ली में और पूरे देश में बीजेपी लड़ रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में अगर आप देखें तो जो पहले से कैंडिडेट थे उनको रखा गया, लखनऊ में राजनाथ सिंह को रखा गया है, अमेठी में स्मृति ईरानी को, प्रदीप कुमार को कैराना से उतारा गया है, मुजफ्फरनगर का भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर वालियान साहब को उतारा गया है। ये पूरी लिस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें सिर्फ 4 चेहरे बदले गए हैं, लेकिन अन्य जगहों पर काफी बदलाव किए गए। विदिशा से चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान उतरे हैं, और जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, और इसी के साथ साथ उनकी पत्नी ने शाम के इस पहर में उनकी आरती भी उतारी, क्योंकि उनके लिए एक लंबी लड़ाई थी। जब से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो शायद उनको ये बताया गया था कि ये करना है, और वो तब से ही कह रहे थे कि अब मैं छिंदवाड़ा करूंगा, इस बार सारी की सारी एमपी की सीटें मैं बीजेपी की झोली में डालूंगा। वहीं पर आप दूसरी तरफ अगर देखें, चलिए गुजरात में, जहां पर गांधीनगर से फिर गृहमंत्री अमित शाह हैं, वो तीसरे नंबर पर थे। सीट मार्जिन अगर वोट मार्जिन में आप देखें, जीत का अंतर सबसे ज्यादा पाने वाले सीआर पाटिल थे नवसारी में, और उनकी वो बीजेपी की डिजाइन की हुई टोपी प्रधानमंत्री भी पहनते हैं जब जब बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है। तो सीआर पाटिल ने नवसारी सीट से सबसे ज्यादा अंतर से जीता था, और तीसरे नंबर पर गृहमंत्री अमित शाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद वाराणसी में। तो ये तमाम सीटें हैं, और इन सब के बीच अगर आप फिर बात कीजिए भोपाल की, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर साध्वी प्रज्ञा का टिकट, हालांकि पहले ही आशक ने आपको ये जानकारी दे दी थी, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। पिछली बार 2019 के चुनाव में महात्मा गांधी और गोडसे पर दिए हुए उनके बयान की वजह से अच्छी खासी गिरी हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो इससे खुश नहीं। पवन खेड़ा जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पवन जी, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट उतार दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं फिर अगला सवाल करेंगे। अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, 4 चेहरे दिल्ली में बदले हैं, लेकिन यूपी वगैरह अन्य राज्यों में बहुत कम बदलाव है। तो अंजना जी, हम जहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि क्या ये 4 लोग जिन्हें बदला गया, क्या नाकारा थे इसलिए उन्हें बदला गया? और अगर नाकारा थे तो प्रधानमंत्री और अमित शाह और नड्डा जी आकर माफी मांगे दिल्ली की जनता से कि साहब माफ कीजिए, हमने आप पर नाकारा लोग थोप दिए थे। और अगर नाकारा नहीं थे तो बताएं साहब क्यों उनकी टिकट काटी? प्रधानमंत्री को क्या अपने नाम पर अब भरोसा नहीं रहा कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी को भी जिता सकता था, उनके नाम का जादू प्रज्ञा ठाकुर को भी जिता सकता था, रमेश भिदुड़ी को भी जिता सकता था? तो आखिर कहीं कुछ घबराहट तो दिख ही रही है इस लिस्ट में। और टेनी जी को से इतना क्या प्रेम है? क्या उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, उसका पुरस्कार आप टेनी जी को दे रहे हैं कि उनको फिर से आपने टिकट दे दी? लेकिन सिर्फ राजधानी की बात अगर आप छोड़ दीजिए, अन्य जगहों पर कम बदलाव है पवन जी। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो वो अपने उम्मीदवार नहीं बदलती है, जीत का उनका लक्ष्य है, ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर ऐसा लगा तो उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए। एक प्रतिक्रिया फिर अन्य मेहमान जी, बात वो नहीं है, ये तो हर चुनाव मोदी जी अपने नाम से जीतते हैं, न शिवराज जी का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कोई योगदान किसी का होता ही नहीं है पूरे देश में, सिर्फ मोदी जी के नाम से पूरे चुनाव जीते जाते हैं। तो लड़ने देते हैं इन सबको भी, रमेश भिदुड़ी ने पता नहीं क्यों नहीं उनको लड़ने दिया, मीनाक्षी लेखी को लड़ने देते, इतना तो जादू आपका चलता है, क्यों घबरा गए आप? ये इस लिस्ट को लेकर आप 400 पार की बात करते हैं, हंसी आती इस लिस्ट को देखकर। लेकिन रमेश भिदुड़ी पे आप लोग इतने हमलावर थे उनकी भाषा को लेकर, अब जब उनको मीनाक्षी लेखी को क्यों काटा? कोई बात नहीं, मीनाक्षी लेखी को क्यों काटना पड़ गया बताएं जरा? प्रवेश साहिब सिंह जी के बेटे को उनकी टिकट क्यों काटनी पड़ी बताएं जरा? और क्यों आज सुबह 2 लोग सन्यास की तरफ चले गए?
क्या वो नाखुश थे भाजपा से? गौतम गंभीर जी और जयंत सिन्हा साहब, वो तो संन्यास का ऐलान कर दिया। नहीं तो क्यों करना पड़ा? यह भी तो पूछना चाहिए ना, जनता को जानने का हक है कि या तो मोदी जी इन 5-6 लोगों से नाराज थे या ये 2-3 लोग मोदी जी से नाराज थे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हर्षवर्धन जी को किस बात की सजा मिली? क्या कोविड मिसमैनेजमेंट की पूरा ठीकरा हर्षवर्धन जी के ही सर पे फोड़ना था आपको? आप तो कहते हैं कोविड में आप विश्व गुरु बन गए, तो हर्षवर्धन जी को तो फिर आपको लड़ाना चाहिए था। क्यों उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया पहले और अब आपने संसद से ही बाहर कर दिया? लेकिन ये वो चेहरे थे जिन पर आप लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी रहती थी, चाहे वो प्रवेश वर्मा की भाषा की वजह से हो। हम तो सवाल पूछेंगे। अब आपने निर्णय लिया तो आप बताइए ना कि क्यों ये निर्णय लिया। बीजेपी के जो नेता होंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की लिस्ट कहाँ है पवन जी? आप लोगों की तैयारी कहाँ पर है? जल्दी आएगी, इनको हारने की जल्दी होगी, इन्होंने जल्दी निकाल दी। हमें कोई जल्दी नहीं है जीतने की, हम जीतने वाले हैं, हमारी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है अंजना जी। यूपी में तो 4 जो इन्होंने नए चेहरे भी लाए हैं वो बदले नहीं है, जिन सीटों पर हारे थे वहां पर उन्होंने नए उम्मीदवार उतारे हैं, तो यूपी को लेकर तो अच्छे खासे आश्वस्त हैं। देखते हैं अब आने वाले दिनों में यूपी में कितनी किसकी चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को नहीं समझ में आता कि किसकी ज्यादा चल रही है यूपी में। देखते हैं आने वाले दिनों में यूपी क्या नतीजे देगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार बदलाव का एक बयार चल रहा है। पवन जी, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, बीजेपी ने तो 164 सीटों का क्लस्टर बनाया, 164 सीटें ऐसी जहां पर या तो जीत का मार्जिन बहुत कम था, 435 या 37 सीटों पर वो लड़े थे, 303 पर वो जीते थे, 164 ऐसी सीटें थी जिनमें या तो वो 5 से 10 हजार वोट से हारे थे तो वो डी कैटेगरी में थी, सी वाली थी जिसमें वो 50 हजार तक हारे थे, फिर 1.5 लाख 2 लाख से हारे थे, और इसके साथ जहां पर वो कम मार्जिन से जीते थे उनको भी शामिल करके 164 सीटों पर वो लगातार मेहनत कर रहे थे। आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, जरा कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी समझाइए। हम लोग भी अंजना जी लगातार, हाँ ये हो सकता है कि कैमरास का फोकस हम पर ज्यादा नहीं रहता आजकल, कुछ वक्त ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोग भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। हमारे BLAs जो ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी लगातार बैठकें खड़गे साहब खुद अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अलग काम कर ही रही है प्रचार का, जिसमें हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पूरा संवाद किस तरह का हम चाहते हैं इस देश में वो ला रहे हैं, और अलग अलग स्तर पे टिकट वितरण का, उससे पहले के जो सर्वेज होते हैं वो तमाम सर्वेज बहुत बदस्तूर हो चुके हैं। हमने भी अपनी ABCD क्लासिफिकेशन कर रखी है, और पहली बार जिनको आप लोग बार बार पन्ना प्रमुख करके कहते थे, पहली बार हमने उनसे कहीं 2-3 कदम आगे बढ़कर जो हमने BLAs बनाए हैं, जिस तरह से उनसे रोज दिन में 4-4, 5-5 बार संवाद होता है, उनको हाँ। क्या चीज को एम्पलीफाई करना है, किस चीज को प्रचारित करना है, वो सब उनसे लगातार हमारा वॉर रूम संपर्क में बना रहता है, तो हम अपना काम बिना कैमरा की फोकस के भी कर रहे हैं। नहीं, कैमरा का फोकस आप ही पे है, इतना सुनहरा मौका है, पूरा देश आपको सुन रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी का तो पार्टी तय करेगी अंजना जी, ये पार्टी तय करेगी कि कौन नेता कहां से लड़ेगा। अब हम तो नहीं बोलेंगे कि साहब मोदी जी के अमृतसर से लड़ेंगे या जलंधर से लड़ेंगे, भाई उनकी पार्टी जहां से तय करेगी मोदी जी वहां से लड़ेंगे, हमारी पार्टी जहां से तय करेगी राहुल गांधी भी वहीं से लड़ेंगे, और किसी और को जिसको भी लड़ना है वो वहीं से लड़ेगा जहां से पार्टी आदेश लेगी। बहुत धन्यवाद आपका पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अन्य मेहमान बहुत धन्यवाद, हमारे साथ तमाम अन्य मेहमान भी, प्रेम शुक्ला जी राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, कई जगहों पर जश्न भी बीजेपी दफ्तर में मन रहा है, हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू बने हुए हैं कोलकाता से, हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं वाराणसी से, और बीजेपी मुख्यालय से अशोक। अशोक, जल्दी से आपके पास आते हुए एक छोटा सा रिएक्शन लेकर, बड़े पैमाने पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 4 सीट जिन पर वो हारे थे वहां पर नए उम्मीदवार हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ा फेरबदल किया गया है और कई ऐसे चेहरे जिनमें आप कह सकते हैं मंत्री भी मीनाक्षी लेखी थी उनको भी बदल दिया गया है, तो ये एक बड़ा बदलाव सबसे ज्यादा दिल्ली में ही दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक चुनौती है।
बिल्कुल, तमाम चुनौतियां, परफॉर्मेंस, तमाम चीजों को देखते हुए फीडबैक के हिसाब से ही अंजना ये फिर बदल किया गया है। हालांकि मीनाक्षी लेखी और कई नाम, हर्षवर्धन का नाम भी पहले से लग रहा था कि इनको बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कारण थे, परफॉर्मेंस को लेके, कार्यकर्ताओं की फीडबैक, तमाम कारण थे। और जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो तमाम विश्लेषण करने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही, सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली में चार कैंडिडेट को बदला गया। और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को पहली बार मैदान में उतारा गया। पहला चुनाव है उनका, ना विधायकी का चुनाव लड़ा, ना लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनकी माँ सुषमा स्वराज जरूर यहाँ से चुनाव लड़ी थी, मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। लेकिन इन नए चेहरों में अगर देखा जाए, पूरा ओवरऑल लिस्ट की बात की जाए, अंजना, दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उतने चेंजेस नहीं किए गए बाकी स्टेट्स में भी। लेकिन इसमें अगर पूरी लिस्ट को देखा जाए 195 की, महिलाओं को, युवाओं को और जातीय समीकरण, इनको तरजीह दी गई है। 50 साल से कम के उम्मीदवार अगर बात की जाए, 47 उम्मीदवारों को उतारा गया है, और महिलाओं को 28 महिलाओं को इसमें तरजीह दी गई है इन उम्मीदवार की लिस्ट में, एससी एसटी और ओबीसी। 27 सीटें शेड्यूल टाइप के 18 उम्मीदवारों को उतारा गया, जबकि एससी की 27 उम्मीदवारों को उतारा गया। तो इस तरीके से कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे महिलाओं के हो या युवाओं के हो, तमाम जो विनिंग कैंडिडेट है। साथ में सबसे बड़ा फार्मूला तो यही है कि जो जीतने की संभावना है, जिनमें ज्यादा है, फीडबैक लिया गया, विश्लेषण किया जाता है, चाहे कार्यकर्ताओं का अपने सर्वे करवाए जाते हैं, पार्टी के एक सर्वे नहीं, कहीं कहीं सर्वे करवाते हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या बाकी स्टेट्स हो, उनको उनके हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और पार्टी उसी हिसाब से जो 370 और 400 पार का एनडीए का लक्ष्य है, उसको देखते हुए पार्टी ने एक एक सीट के ऊपर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। एक एक सीट को पूरा इन्होंने उसी तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया, क्योंकि एक एक सीट के लिए बहुत क्रूशियल है, 370 और 400 को देखते हुए। अंजना, 72 सीटों पर पिछली बार नंबर 2 की पोजीशन पर बीजेपी आई थी, और इसीलिए हिमांशु सीधे रुक करते हैं आपका, क्योंकि आप वाराणसी पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम सबसे पहले लिया गया, सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग वहां पर हो गई, फौरन नाम ले लिया गया, क्योंकि शायद अजय राय ही वहां से, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो उम्मीदवार बने। एक जीत के मार्जिन पर भी बीजेपी वहां पर काम करने की कोशिश करेगी, और 164 के क्लस्टर में वो सीटें भी थी जहां पर वो हारे, और वो भी जहां कम मार्जिन से हारे जीते। देखिए बिल्कुल अंजना, मैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पे हूँ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ते हैं 2014 के बाद से। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सिर्फ 4 जो है कैंडिडेट चेंज किए, उसको डीकोड करने की अगर हम कोशिश करें तो उसमें मैं पाता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो सिर्फ अपना दल एस के साथ था और निषाद पार्टी की तरफ से था। निषाद पार्टी की तरफ से प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे बीजेपी के सिंबल पे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 अलायंस पार्टनर बढ़ाए हैं, आरएलडी जयंत सिन्हा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में जो जाट मतदाता है उनको रिझाने के लिए, दूसरी तरफ जो है राजभर नॉन यादव ओबीसी को रिझाने के लिए जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव जो है फेज वाइज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रेशो था वो कम होता चला गया, और ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके है वो बिल्कुल इक्वल पे आ गए थे। इसीलिए राजभर को लेके आए, दारा सिंह चौहान को भी वापस लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की, और ये कहें कि आप सोशल इंजीनियरिंग उसको साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी 4 ही उम्मीदवार बदले हैं। लेकिन उम्मीद है अभी, क्योंकि मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, मछली शहर है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, बीपी सरोज 181 वोटों से चुनाव जीते थे। तो ऐसे अभी बहुत से नाम है जहां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है और वहां चेंज हो सकता है। उत्तर प्रदेश रोमांच बरकरार है, आप कह रहे हैं से बढ़ा के 4 अपने जी बिल्कुल हिमांशु, रोमांच बरकरार है क्योंकि सुल्तानपुर, पीलीभीत, मेनका गांधी, वरुण गांधी, इन सीटों पर क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारे साथ संजय कुमार जी भी मौजूद हैं। अभिषेक, छोटा सा एक जल्दी से रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, फिर राजनीतिक मेहमानों के की तरफ चलेंगे। अभिषेक, अभी रोमांच बरकरार है, अभी तो सुल्तानपुर, पीलीभीत, इन तमाम सीटों की, रायबरेली, इन सब के नामों का ऐलान होना है। एक 47 लोगों को रिपीट किया गया है 51 में, तो
बाकी अभी जो बचे हैं तकरीबन 23 सीटें जो बीजेपी को अनाउंस करना है, ये रोमांच ही हो सकता है, क्योंकि माना ही जा सकता है कि इसमें से कुछ लोग बेशक रिपीट हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड पर हैं, और इसमें से 23 में से ज्यादातर लोगों पर ये तलवार लटक रही है कि क्या ये रिपीट होंगे या फिर इनकी जगह बदला जाएगा। और उसमें आप देख लीजिए, मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, संगमित्रा मौर्य हैं, इस तरह के ढेरों नाम है जो कि अभी भी होल्ड पर हैं। तो अगर किसी को रिपीट करना होता तो इस लिस्ट में होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर चर्चा अभी बाकी है, इसलिए रोमांच सचमुच बरकरार है। और 23 सीटें कम नहीं होती हैं, अगर 64 में अगर 23 सीटें देख लें तो 23 सीटें लगभग 1/3 से ज्यादा हैं। तो अगर इतने में कहीं ज्यादा बदलाव हो गए, अभी तो 4 हो गए, तो जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा बदलाव इसमें होने हैं। 4 हो गए हैं, 10-12 अगर और हो गए तो समझ जाइए कि तकरीबन 1/4 20% बदलाव हो सकते हैं अभी भी। तो इतना रोमांच तो जरूर बाकी है। अंजना, बिल्कुल, तमाम मेहमानों के पास अब जल्दी से चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी अभी बीजेपी दफ्तर में आप बैठे हुए थे, लगता है वहीं से लाइव भी दे रहे हैं। एक बात बड़ी दिलचस्प है, ये सच है कि 28 आपने महिला उम्मीदवारों को दिया है, युवा जिसे राजनीति में कहा जाता है 50 साल से कम वालों को, ऐसे 47 लोग हैं, 27 शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है 18, 57 ओबीसी है, और ये सब कुछ आप लोगों ने नाम बताने से पहले ही वहां पर बीजेपी दफ्तर में बता दिया गया। लेकिन 195 में अब 4 भोजपुरी स्टार्स हो गए हैं, ये भी दिलचस्प है, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और अब पवन सिंह की एंट्री हो गई आसनसोल से, गजब है। मतलब हम भाषा का भी अंत्योदय कर रहे हैं, हमने भाषा का अंत्योदय करत बानी, एमे का प्रॉब्लम बा? नहीं के प्रॉब्लम काहे के लिए, हम लोग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बदल बदल के नए नए चेहरे, कुछ स्टार फैक्टर, कुछ ऐसा जी चमक धमक हो जाए, फिर वो आपके स्टार प्रचारक बन जाए, फिर हर जगह जा के गाना गाते रहे, तो ये सब भी अच्छा आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पर मेरी टिप्पणी थी। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो बड़ा सवाल पर अब आइए। भोजपुरी भाषियों का झंडा लहराना भी जो है शुभ लक्षण है। ठीक है, पवन, जरा पवन सिंह से पवन खेड़ा पर आते हैं, वो आपको घेर रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने पूरे लाइव में यही कहा कि आप लोग जवाब दीजिए कि 4 ये जो एमपी आपने दिल्ली में बदल दिए हैं, तो उनके काम से जनता नाराज होगी? जी। मतलब 5 साल उन्होंने जनता का कोई काम किया नहीं, तभी तो आपको बदलना पड़ा। जी अंजना जी, दरअसल पवन खेड़ा जी और कांग्रेस की शिकायत कह रहे हैं हम फोकस में नहीं है, और जैसे ही भाजपा प्रवक्ता को उन्होंने विंडो में देखा निकल लिए वो, तो इनका संकट यही है। अब इसके इस तर्क से श्रीमती सोनिया गांधी से रायबरेली नाराज था, इसलिए वो राजस्थान चली गई, अगर यही तर्क है तो। अब दायित्व का परिवर्तन करना श्रीमान पवन खेड़ा की दृष्टि में, जो बहस करने से भाग खड़े हुए, उनके दृष्टि में जो है वो दायित्व का परिवर्तन करना जो है नाराजगी का सबब है। तो श्रीमती सोनिया गांधी से लोग नाराज हैं, श्रीमान राहुल गांधी से लोग भयंकर ही नाराज रहे, बेचारे अमेठी की तरफ जाने से डर रहे हैं। आपने अमेठी का प्रश्न पूछा उनसे कि क्या अमेठी लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा क्या मोदी जी अमृतसर लड़ेंगे? अरे भाई, आप तो पहले कह रहे थे कि भाजपा के बारे में आप जो है सारी सलाह दिए चले जा रहे थे, कांग्रेस के बारे में प्रश्न हुआ तो खेड़ा जी बखेड़ा करके भाग गए, अजब है इनका। ठीक, अनुराग जी आपसे एक कमेंट, यूपी की जो लिस्ट आई है और यूपी में 4 ऐसी सीटें जहां वो हारे थे वहां पर उम्मीदवार बदले हैं, यानी उन्होंने बाय एंड लार्ज अपने सिटिंग एमपी पर भरोसा जताया है। शुक्ला जी, हम बैठे हैं, हम भागे नहीं है, काहे परेशान है आप? तो देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये, अगर गलती से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आउट होती, उसमें किसी परिवार का नाम होता तो अभी आप चिल्ला रहे होते, लेकिन आपने कैबिनेट मिनिस्टर की टिकट काट के एक परिवारवादी टिकट दी है, तो उस पर भी तो आपको कुछ बोलना होगा ना, जिनके पास अभी ऐसा कोई ज़्यादा पद नहीं था और आपने मंत्री की टिकट काट दी। हर्षवर्धन जी, जिसकी आप बड़ी तारीफ करते थे कोविड काल में, तो इतनी तारीफ उनकी हुई है और आज उन्हीं की टिकट आपने काट दी, तो आप जनता तो सवाल पूछेगी। दूसरा, टेनी आपने टिकट दी है ना, टेनी के बारे में क्या क्या नहीं उनके बेटे के रोंदने का आरोप लगा, टेनी जी उसको बचाते घूम रहे थे, कितने उनके जो बयान बार बार आए थे, आज आपको वो अच्छे लग रहे हैं, और आपको तो आप अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं रहा, आप तो आप स्टार चाहिए आपको, बॉलीवुड स्टार पर आप डिपेंड होने लगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी बिहार में भी कुछ आप करेंगे और पश्चिम बंगाल तक चले गए आप, सोचो आप। एक सेकंड, चांदनी चौक से जो प्रवीण कंडेलवाल को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, उनसे हमारे सहयोगी बात करें, बात कीजिए उनसे। कार्यों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे, उन सबको उठाकर जनता।
चलिए वापस सुनाएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से आप बॉलीवुड के स्टार को ला रहे हो, तो इसके मतलब आप तय है ना कि आपके पास कार्यकर्ता लड़ने को है ही नहीं। आपको पता है हमें वोट मिलेगा नहीं, तो हमें चकाचौंध की दुनिया में जाना है, वो थोड़ा सा जाके घूम घूम के नाच गाना करेंगे तो शायद आपको लगे भीड़ इकट्ठी हो जाए और हमें वोट मिल जाए, यही तो आपकी मानसिकता होगी। वरना आप बताइए कि आपके लिए जो जीते मरते लोग इतने दिनों से आप तो कह रहे थे 400 पार का नारा भी दे रहे थे, तो इसके मतलब आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। अभी तो और टिकटें आनी बाकी है और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है आप इस तरह के लोगों को टिकट लड़ाएंगे। इसके मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने ऊपर विश्वास खो चुके हैं, तभी आपको इन सबको जोड़ना पड़ रहा है। और देखिए कमाल की बात है, आप जब हमने जया बच्चन जी को टिकट दी थी तब आप तो कह रहे थे भाई कि देखो ये लोग बॉलीवुड के लोगों को इन्होंने टिकट दी है, तब उसमें आप बहुत सी चीजें खोज रहे थे। अब आपका क्या हो गया बताइए आप, तो आप अपनी चीज पर टिकते कहां है नई दिल्ली से बताइए। किस बीजेपी के नेता ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री से आपने टिकट दिया? क्यों ये लोग बोलते नहीं थे हमेशा जया बच्चन जी को? क्यों किसने बोला? क्योंकि इनके यहाँ तो भरे हुए हैं, मथुरा में हेमा मालिनी से लेकर तमाम फिल्म स्टार हैं। अरे तो हम सनी देओल बहुत सारे हैं, ये तो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि भाई अभी आप ये हमेशा बोलते थे संजय जी बॉलीवुड का डांस हो रहा है, अभी संस्कार को जो संस्कृति प्रोग्राम को राहुल गांधी ने कहा था कि ऐश्वर्या जी वहाँ पर सब नाचने वाले, ये लोग ही बोलते थे। ठीक है प्रेम जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक बार एक सेकंड रुक जाइए, हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, अब सुनाइए प्रवीण खंडेलवाल से बात कीजिए। चांदनी चौक सीट से बीजेपी ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, कितनी चुनौती है सर इस बार? कोई चुनौती नहीं है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 700 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं, अब की बार 400 पार। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे भाजपा नेतृत्व जो तय करेगा उन मुद्दों को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे मोदी गारंटी क्या है और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं, एक एक काम हम लोगों को बताएंगे जिससे कि और आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से भारत का भविष्य सुनहरा होगा उसकी चर्चा सब लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं। व्यापारी संगठन से आप आते हैं, तमाम व्यापारियों के अलग अलग मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को भी उठाएंगे? देखिए ना केवल व्यापारी बल्कि चांदनी चौक के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ उसके मुद्दों को हम सुलझाएंगे और ये हमारा वचन है। इंडिया गठबंधन सामने है, वो बेमेल गठबंधन है, वो किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है, वो पहले एक दूसरे को कोसते हैं, बाद में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, उनका फरेब जाल दिल्ली के लोग जान चुके हैं, लिहाजा उसमें कोई फंसने वाला नहीं है और दिल्ली में 700 सीटें जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की 700 लोकसभा पर बीजेपी जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी। बीजेपी अपने मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे उन सबको उठाकर जनता के सामने रखेगी। कैमरा पर्सन अजीत सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो सुशांत हमारे सहयोगी प्रवीण खंडेलवाल से बात कर रहे थे, एक व्यापारी हैं और सक्रिय काफी दिनों से वो बीजेपी की तरफ से ट्रेडर्स एसोसिएशन में थे, लेकिन ये वो सीट है जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीत पिछली बार पाई थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और प्रवीण खंडेलवाल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हम आपको राजस्थान से लेकर गुजरात हर जगह के प्रत्याशी दिखा रहे हैं, क्योंकि 51 सीटों पर अगर उत्तर प्रदेश में आज ऐलान हुआ है, 20 सीटें पश्चिम बंगाल की भी जहां पर ऐलान किया गया है आज उम्मीदवारों का। जल्दी से अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद से जरा आसनसोल में से पवन सिंह को उतारने का लॉजिक इंद्रजीत कुंडू से समझेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। देखिए परिवारवाद पर श्रीमान भदौरिया जी कह रहे थे, बांसुरी स्वराज को उनके परिवार ने टिकट नहीं दिया है, यहां तो अखिलेश सिंह अपनी पत्नी को, अपने चाचा को, अपने भाई को, भाई के परिवार के बाहर कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, तो ये परिवारवाद पर आप बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा जहां तक बॉलीवुड की बात है, भाजपा ने आपत्ति नहीं की थी, सलीम शेरवानी भाजपा के नहीं है, आपके महासचिव थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके महासचिव थे, उनका विरोध था, और पल्लवी पटेल आपकी थी, आप पल्लवी पटेल को भाजपा का समझ रहे हैं? तो बॉलीवुड के लोगों को आप जया बच्चन को 5वीं बार सांसद बनाएंगे और बॉलीवुड के लोगों पर आपत्ति करेंगे, गजब है आपका। अनिल अंबानी को सांसद पे भेजेंगे और पूंजीपतियों पे आपत्ति करेंगे, गजब है भदौरिया जी आपका। जवाब दे दो, दे दीजिए छोटा सा, सिर्फ दो लाइन। शायद आप भूल गए हैं, आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि सैफई में बॉलीवुड का डांस होता है, अब जब गोरखपुर में हो रहा है, जब टिकट आप, अब आपको दिक्कत है, किसने विरोध किया था?
अरे किसने नहीं किया, उठा लीजिए, कौन नहीं बोलता था कि बॉलीवुड का डांस हो रहा है सैफई में, किसने नहीं बोला, नाम बताइए, किसने नहीं बोला, अरे किसने नहीं बोला, पे तो आप लोग घेरते ही थे। अरे क्या पवन सिंह की तस्वीरें आ रही है, देखिए भाई पवन सिंह की तस्वीरें आ रही है, देखिए ये जब बीजेपी पीसी कर रही थी तब ये वहां पर देख रहे थे, ये उनका रिएक्शन है, ये देखिए जिम में बैठे हुए हैं। आसनसोल पवन सिंह, पवन सिंह, आसनसोल पवन सिंह, पवन सिंह, आसनसोल पवन सिंह, इंद्रो पवन सिंह। 2014 से 2019 तक बाबुल सुप्रिय वहां से रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बार में नाराज, जब नई मंत्री पद रहा चले गए उधर, अब शत्रुघ्न सिन्हा है, कौन किसे खामोश करेगा, पवन सिंह भोजपुरी स्टार को उतारा गया है, सबकी नजर आएगी आसनसोल सीट पे। बिल्कुल, आसनसोल सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है पश्चिम बंगाल में, और लगता है ये सीट इसीलिए जाना जाएगा कि कोई ना कोई फिल्म स्टार या जो सिंगर है वो वहां पे किसी और को चुनौती देगा। पहले बाबुल सुप्रियो लड़ते थे, नरेंद्र मोदी के खास माने जाते थे, उन्होंने ही चूज किया था, मंत्री भी बने, फिर तृणमूल में आ गए पार्टी छोड़ के, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मंत्री बन चुके हैं, उसके बाद तृणमूल ने और एक सुपरस्टार को उतारा वहां पे, बाईपोल में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए, और ये आप मान के चले कि आपको रोक रही हूँ क्योंकि जिस अब हाई प्रोफाइल सीट की बात हो रही है, पवन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आसनसोल से, भारतीय जनता पार्टी ने पवन जी आपको उम्मीदवार बना दिया है, तो भोजपुरी स्टारडम का अब तड़का लगेगा क्या आसनसोल सीट में आपके मुकाबले शत्रुघ्न सिन्हा अगर उधर से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, क्योंकि अभी वो सिटिंग एमपी हैं, आपका हम लोग रिएक्शन भी दिखा रहे थे। जी नमस्ते, नमस्ते, सॉरी आवाज नहीं आई, सॉरी। चलिए, आसनसोल से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, काफी खुश लग रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शत्रुघ्न जी अभी वहां से सांसद हैं, उनको हरा पाइएगा? अब उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, बट विचारधारा हम लोगों की अलग 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 है। हाँ। तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं एक ही बात बोल, हमारा घर है। हाँ। और पास भरोसा है कि मुझे मेरे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपने कहा हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा क्या है? मैं बीजेपी परिवार का एक सिपाही हूँ, हिस्सा हूँ, वो अलग पार्टी से हैं, इसलिए मैंने बोला कि हमारा विचार अलग है। वही वही विचारधारा हम लोग समझना चाह रहे थे, दो चार लाइन में आपकी विचारधारा समझी जाए, क्या है आपकी विचारधारा? विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को, उनके विकास को देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, और मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे उसी विकास, मैं उसी विकास के साथ हूं, और मुझे भी मेहनत करना है, सबका साथ सबका विकास। पश्चिम बंगाल से आपको उतारा गया है, आप भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतरेंगी, कैसे काउंटर करेंगे उनको, जो अगर वो कहती हैं कि ये देखिए भोजपुरी स्टार को यहाँ पश्चिम बंगाल में ले आए हैं, क्या बोलिएगा? वहां की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, और एक बात बता दूं आपसे कि मेरे पापा बंगाल में ही नौकरी करते थे और वहां से पैसा भेजते थे तो हमारा घर परिवार चलता था, तो मेरे तो शरीर में बंगाल का नमक है, और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां से विजय जरूर बनूंगा। तो आज आप उम्मीदवार घोषित हो रहे थे, आपको पता तो होगा तभी आप मोबाइल पे टीवी लगाए हुए थे, लेकिन शाम में भी जिम में ही बैठे हुए थे आप? मैं अभी भी जिम ही कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलते वक्त थोड़ा सा साथ से फूल रही है, सॉरी। थोड़ा तो एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगा, जोश भी होगा,
अब पवन जी आप आए हैं तो कुछ सुरमई टाइप का आप सुना दीजिए, क्योंकि लड़ाई तो आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है वहां पर आसनसोल सीट पर, तो कुछ आपकी आवाज में सुन ले, हालांकि सिग्नल बड़ा कमजोर आ रहा है। जी जी जी, कौन सा गाना गाया था? गाना तो मैं एक हमेशा से गाते रहता हूँ, और क्या गाने का बोलता हो, गाना हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है, अचानक से हम लोग लाइन पे आ गए हैं। आज समझा जा सकता है, आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है, चुनावी मैदान में उतरना है, मैं भी याद कीजिए कोई गाना। हाँ। मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं खुद ही घबरा गया हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। याद कीजिए, आपको 10 सेकंड देती हूँ, 10 सेकंड देती हूँ आपको, आप गाना खोज लीजिए अपना, अपने किसी साथी से पूछ लीजिए अपना गाना। लेकिन लड़ाई बड़ी होगी, देखिए बाबुल सुप्रियो को वहां 6,30,000 वोट मिले थे, मैं वही निकाल के देख रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा को उससे भी ज्यादा मिले, 6,56,000 वोट, और आपको उससे भी आगे बढ़ने की चुनौती होगी, टफ फाइट होगा। बिल्कुल, हमारी जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो आदमी बिल्कुल आगे बढ़ेगा। साहित्य आज तक में फरमाइश आ रही है, आपने कोई मोदी जी का गाना गाया था मोदी जी पर? हाँ जी, यही सुना रहा हूँ आपको। हाँ, हमार उम्र कुछ था क्या? पाया है विजेता है वो भारत माता बेटा है, यह भारत माँ का बेटा है, आपको पता है अभी से ही ममता दी की जो पूरी टीम है सोशल मीडिया पर लग गई है और सोशल मीडिया कैंपेन आपके खिलाफ शुरू कर दिया है कि आपके गाने बंगाली महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ऐसा तो मैंने कभी कोई सॉन्ग नहीं गाया, हर तरह के आक्रमण के लिए तैयार रहिए। आज तो आपका सांस ही आपके लिए मुश्किल हो रहा है सांस लेना खुशी में। वैसे बाबुल सुप्रे जी ने आपको बधाई दी है टिकट मिलने पर। थैंक यू सो मच, जय माता दी। मैं बाबुल सुप्रियो जी जब चुनावी मैदान में थे तो मैं उनके लिए भी आसनसोल गया था प्रचार करने, और भैया जीते भी थे। अच्छा, ये कुछ जो वो लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, बंगाल के पानी, बंगाल से लिया रोम सवतीन, कुछ इस तरह के कुछ गाने आपने गाए हैं जिन पर वो लोग आक्रामक हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर? मैं मेरा जन्म भी बंगाल में ही हुआ है, मैं मेरे शरीर में बंगाल का नमक है, और ये तो कवि का भाव होता है, कभी क्या लिखते हैं लोग, तो आदमी एक कलाकार के नाते कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है, तो गाने का भाव सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन सिंह जी, आसनसोल से बीजेपी के आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, मुकाबला बड़ा होगा लेकिन आपको उसके लिए आप खुद ही कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, अभी अभी जिम से निकले हैं और खुशी के में सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ये कुल मिलाकर जो अब लड़ाई है ये कई फ्रंट्स पर लड़नी है आप लोगों को, इस तरह के नए नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। इंद्रो जल्दी से, चूंकि आपकी बात मैंने टोकी थी, एक बार वो पूरा कर ले फिर प्रेम जी और संजय जी में आ रहे हैं, जल्दी से इंद्रो छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आसनसोल ही नहीं, जो 20 उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस वक्त उतारा है, 42 में से 20 50% कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया है, उनमें से 4 सिटिंग एमएलए को एमपी सीट दिया गया है और 2-3 लोगों को बदला गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है इस बार बंगाल पे होने वाला है।
क्योंकि बीजेपी को लगता है अगर 370 का जो आंकड़ा भी टारगेट दिया गया है उनको गेन करना है, और कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी का गेन हो सकता है, उनको लगता है कि 18 से जितना सीट ज्यादा वो बंगाल से ला पाएंगे, 370 का जो आंकड़ा और टारगेट पीएम मोदी ने दिया है, आज वो खुद पश्चिम बंगाल में थे, वो उसमें बंगाल काफी हद तक एक जो पॉलिटिकल सर्ज है बीजेपी का वो दिख रहा है और उसमें सहायता हो सकती है। उसकी वजह है इंद्रो, अगर उन्होंने कैंडिडेट्स को रिपीट किया अभी जो 20 है उनमें से, उसकी वजह यह है कि बंगाल में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी पिछली बार। अगर 18 सीट जीते थे तो 22 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पर बीजेपी थी, 22 सीटों पर, 16 सीटों पर यूपी में, सबसे ज्यादा नंबर 2 की पोजीशन भी पश्चिम बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने ली थी 72 सीटों में, 72 में से 22 सीटें बंगाल की थी जिस पर वो नंबर 2 पर आए थे। संजय जी, ये लिस्ट आपसे क्या कह रहा है, मतलब एज एन एनालिस्ट आप इसको क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है अगर लिस्ट को बारीकी से देखें तो 3-4 मैसेजेस बड़े मैसेजेस हैं। पहला, युवाओं को साधने की कोशिश की गई क्योंकि बड़ी संख्या में युवा कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, 195 में से तकरीबन 47 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 50 साल से नीचे के हैं। दूसरी, अगर महिलाओं के को देखें, इस लिस्ट में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, तकरीबन 28 महिलाओं के नाम है, तो एक तरह से महिला वोटरों को भी संदेश दिया जा रहा है। ये जरूर है कि जितने जिस तरह से आरक्षण 33% किया गया, लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये तकरीबन 13 या 14% है, फिर भी एक पॉजिटिव संदेश दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा संदेश है केरल से, इस बात का बार बार जिक्र होता है कि बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, लेकिन केरल में एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है बीजेपी ने, तो एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की पूरी पूरी कोशिश की गई है। और बड़ा फैक्टर तो विनेबिलिटी होता ही है अंजना जी, बीजेपी कोई भी पार्टी चाहती है कि जीतने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए, बीजेपी ने भी यही कोशिश की है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज सोशल इंजीनियरिंग का देने की कोशिश की गई है। विनोद जी, आपको क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, मोटे तौर पर सबसे बड़ा क्राइटेरिया विनेबिलिटी है। अगर उत्तर प्रदेश की लिस्ट को देखें तो सिर्फ 4 सीटों पर नए उम्मीदवार घोषित किए गए, और मतलब कृपाशंकर सिंह जैसे जो पुराने कांग्रेसी थे उनको भी लाके लड़ाया गया जौनपुर से। यानी पार्टी ये कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती कि अचानक आप टिकट काट दीजिए 40 लोगों के, 25 लोगों के, 30 लोगों के, और उनमें से आधे चुनाव हार जाएं। तो इसलिए पुराने लोगों पर ही भरोसा जताया गया, उत्तर प्रदेश की खासकर बात कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर पूरी लिस्ट को देखें तो पूरी लिस्ट में जैसा संजय जी कह रहे थे उसमें संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। नए नाम भी हैं, अब दिल्ली में तो 4 नाम एकदम नए कर दिए 5 में से उन्होंने, इसी तरह बंगाल में भी कुछ नाम नए हैं, तो नए पुराने, उम्र का संतुलन, जेंडर बैलेंस, सब मिला करके कोशिश की गई है कि एक एक तरह से ये मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को और सबको साथ लेके बढ़ना चाहती है। कुल मिला के इसका मैसेज यही है। और जैसे पवन सिंह जी को आसनसोल दे दिया गया, वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा उनके MP हैं, तो और वहाँ जिस तरह से पूर्वांचली जो मजदूर हैं, कोलियारीज में जो मजदूर हैं बिहार के भोजपुरी भाषी, उनका एक अच्छी खासी तादाद है, और पवन सिंह चूंकि गायक हैं, स्टार हैं, बाबुल सुप्रियो का कैंपेन उन्होंने किया था, खुद बता रहे थे, तो मुझे लगता है ये भी एक दांव खेला गया कि भाई अगर शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से लड़ते हैं तो भोजपुरी भाषी के मुकाबले भोजपुरी भाषी, तो ये भी कुल मिला के इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और पूरी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपसे और अनुराग जी से जल्दी जल्दी एक रिमार्क लेते हुए, प्रेम शुक्ला जी, 14.5% होता है जो अभी आपने 28 out of 195 महिलाओं को टिकट दिया है, 33% आरक्षण, एक सच्चाई बनने में अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया जब आप लोग 370 और 400 पार का नारा देते हैं? हम उस दिशा में बढ़े हैं, हमने न्याय देना ही सुनिश्चित नहीं किया बल्कि न्याय की दिशा में जो है एक कदम और आगे बढ़ाया है, और यह निश्चित किया है कि हम जो है महिलाओं को पूरी तरह से जो है विधायिका में उनका हिस्सा सुनिश्चित करेंगे। और बड़ी बात क्या लग रही है आपको, मतलब इसमें आप अगर ओवरऑल हम देखें तो उन लोगों का क्या होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या होगा, मीनाक्षी लेखी जी का क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन की एक पूरी लेगेसी रही है दिल्ली की पॉलिटिक्स होता रहता है। अंजना जी, दायित्व तो परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे हमारे सांसदों को विधानसभा लड़ाया गया, बहुत सारे सांसद राज्य मंत्री बने, बहुत सारे विधानसभा के सदस्यों को भी जो है लोकसभा लड़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता का दायित्व तो परिवर्तन होते रहता है, पदाधिकारी का दायित्व तो परिवर्तन होते रहता है। हर किसी को पता है कि दल जो दायित्व तो दे उसका सफलतापूर्वक निर्वाह यही लक्ष्य होना चाहिए।
अनुराग जी छोटा सा कमेंट जल्दी से दो। कमाल का दायित्व परिवर्तन है, 47 जो लोकसभा के एमपी उत्तर प्रदेश में आपने रिपीट कर दिए, उनका दायित्व परिवर्तन क्यों नहीं किया आपने? अगर आपको इतना दायित्व परिवर्तन पे शौक है, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने आपके मुताबिक और देखा गया था कि कोविड काल में उन्होंने काम किया, तो काम करने वाले की टिकट आपने काट दी। सीधी सी बात है, विपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता आज डॉक्टर हर्षवर्धन की मीनाक्षी लेखी की ओर है। कुल मिलाकर वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, और इसी के साथ साथ विदिशा से अगर शिवराज सिंह चौहान उतर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर 4 सिटिंग एमपीज को दिल्ली में बदल दिया गया है। अभी 195 सीटों का बीजेपी ने ऐलान किया है। इसी पर आप देख रहे हैं कवरेज, देखते रहिए आज।